व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक एक और नए वीडियो में, जिसमें हम एक और नया गेम खेलने वाले हैं। इस गेम में मैं एक और बिजनेस करने वाला हूं। देखो, मैं इतना सारा बिजनेस किया, जैसे मैं ठेला चलाया हूं और मैं एक ठोक शायद मार्केट वाला भी कुछ गेम करा था। मैं शायद जैसे पंपिंग सिम्युलेटर में ही एक ठोक मार्केटिंग वाला गेम था, जिसमें अपन कुछ बेचते थे ग्रोसरी टाइप का। तो सेम वैसा ही सुपरमार्केट सिम्युलेटर, इसमें भी हम लोग को ग्रोसरी बेचना है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हम लोग का ना स्मॉल स्टोर रहता है, अपना छोटा सा स्टोर रहता है शुरू में, ऐसा अभी शुरू में स्मॉल स्टोर रहता है और बगल में अपने पास स्टोरेज भी दिया हुआ है, तो हम लोग बाद में उसको अपग्रेड कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं स्टोरेज को भी, और जो स्मॉल स्टोर है उसको भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, खरीदना पड़ेगा उसके लिए हम लोग को। तो हम लोग को यहाँ क्या करना है, हम लोग को गुड्स परचेस करना है, मतलब कहाँ से, जहाँ से गुड्स आता है वहाँ से हम लोग को परचेस करना है। उसके बाद उसको हम लोग को प्राइस सेट करके यहाँ पे बेचना है, हम लोग को एक तरीके का डी मार्ट टाइप, मतलब कि एक मॉल टाइप का बनाना है, छोटा वाला ग्रोसरी मार्ट टाइप बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको ओके करते हैं। और यहाँ पे देखो, ये सिटी बढ़िया लग रहा है यार, वैसे सिटी जोरदार है। ऑर्डर्स गुड यूजिंग योर कंप्यूटर, ठीक है। ट्यूटोरियल में बोल रहा है कि ऑर्डर, हम लोग गुड्स को ऑर्डर करना है हम लोग को कंप्यूटर के हेल्प से। तो यहाँ पे चलते हैं। ये देखो, ये कार मस्त लग रहा है भाई, कार भाई, इसका कार का स्पीड जितना तो मैं भी भाग ले रहा हूँ यहाँ पे। और कोई पेडेस्ट्रियन नहीं दिख रहा, ये है पेडेस्ट्रियन अंकल, मेरा नया एक थोक वो खुला सुपर मार्केट खुला, आओ ना एक बार मेरा सुपर मार्केट में आओ ना, मस्त एकदम सस्ते प्राइस में दूंगा आपको, आओ ना इधर आओ ना। अरे यार सुनता ही नहीं है शायद। अच्छा, ये अंकल भी उसका भाई ही है। तो मैं आगे चलता हूँ, ये गाड़ी के ऊपर मैं ऐसे जब मार मार के चलूंगा, निंजा हथौड़ी, मैं हूँ निंजा हथौड़ी। यहाँ से मैं चलता हूँ, ये आया हूँ, ये कंप्यूटर में मेरे को शायद अंदर जाना है। उसके बाद ऑर्डर गुड यूजिंग योर कंप्यूटर, कंप्यूटर से मेरे को गुड्स को ऑर्डर करना है। अपन सबसे पहले मंगाएंगे, ये व्हाई आर यू गे, सस्ता वाला मंगाएंगे ना पहले, 18, 35, 11, 7, 13, ठीक है, इसको मंगा लेता हूँ, इसको मंगा लेता हूँ, इसको मंगा लेता हूँ, ये हो गया। एक और चीज मंगा लेता हूँ, और में क्या आएगा, ये आएगा, हाँ ठीक है। अपने पास $50 है, तो हम लोग $44 का भी ये सब मंगा देते हैं, और $1 इसमें रिमेनिंग कुछ लिखा है, बैलेंस 50, अच्छा हाँ, $1 अपने पास बचेगा ऐसा कुछ बोल रहे हैं, $1 कुछ पैसा बचेगा। और ये 48.12 का हुआ, शिपिंग चार्जेस भी लग रहा है $4 का, भाई शिपिंग चार्जेस $4 का लग रहा है। तो सोचो, हम लोग अभी एक ही बार मंगाया तो उसमें $4 का लग गया, तो हम लोग कितना बार इसमें मंगाएंगे, तो कितना बार इसमें शिपिंग चार्जेस देना पड़ेगा हम लोग। तो शायद इसका बाद में कुछ होता होगा, शिपिंग चार्जेस लगता होगा, या तो इसमें ना वो भी है, मैं दिखाऊं कि ये ना हम लोग इम्प्लॉय भी रख सकते हैं, जैसे कि कैशियर रख देंगे, और जो सामान ऐसे जाके सजा देगा वो सब भी रख सकते हैं हम लोग। तो वो नेक्स्ट मतलब कि करेंगे यार धीरे धीरे, जब अपना ना ये जो वो बड़ा होगा ना मॉल। अरे ये आगे लगता है पैकेज आ गया, इसको उठाता हूँ मैं, और मेरे को यहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लगा देता हूँ, ये हो गया। ये शायद ये क्या है, पास्ता है ये, ठीक है ये पास्ता है, इसको मेरे को इसमें डालना है, इसको उठाता हूँ, ऑयल डालता हूँ। ये मेरा गेम प्ले मैं पहले देख चुका हूँ एक दो यूट्यूबर के में, तो इसलिए मेरे को पता है कि क्या क्या करना होता है, और फटाफट इसको मैं डाल देता हूँ। उसके बाद ना हम लोग को क्या करना है, प्राइस सेट करना है। मैं प्राइस सेट कर लेता हूँ यहाँ पे, पहले इसको रख देते हैं, उसके बाद प्राइस सेट कर लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया, देखो इसको मैं वापस डाल देता हूँ यहाँ पे, डाल दिया। अब मेरे को प्राइस सेट करना है, यहाँ पे बोल रहा है प्राइस सेट करने के लिए, देखो इसका ना मार्केट प्राइस है $3.12, तो मेरे को एवरेज कॉस्ट 0.99 दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं $4 पे बेच देता हूँ, ठीक है $4 ठीक रहेगा यार। देखो इसमें ना ये प्रॉब्लम भी होती है, वो होता है कि अगर इसमें ना ज़्यादा मतलब प्राइस रख दो, तो ये लोग ना एक्सपेंसिव है करके ऐसे कमेंट करने लग जाते हैं, जो ये लोग कस्टमर लोग आते हैं ना, वो लोग ऐसा वो करते हैं, प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए ना इसमें मेरे को खुश भी रखना है कस्टमर लोग को, तो इसलिए ज़्यादा मैं बढ़ा नहीं सकता। इसमें मैं करता हूँ $4.20, ठीक है $4.2, और ये हो गया, इसको कर देता हूँ मैं मार्केट प्राइस है 3.9796, तो इसमें कर देता हूँ 4.6, ठीक है 3.61 का प्रॉफिट हो रहा है अपने पास। और इसको मैं कर देता हूँ 4.50 का है, तो इसमें $5 का कर देता हूँ, इसमें मेरे को $3.50 का, ठीक है यार इतना प्रॉफिट चलता है यार, शुरू से मैं अपना प्रॉफिट इतना चल जाएगा। इसको मैं ओपन कर देता हूँ, और ओपन करने के बाद थोड़ा सा कस्टमर का वेट करते हैं। ये कोई आ रही है, हाँ आइए मैडम जी, आइए मैडम जी, मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ इस नेबरहुड में, तो मेरे स्टोर में आइए। और यहाँ पे मेरे स्टोर में एक जन कस्टमर आ चुका है, ओ वेलकम सर, वेलकम, आपका स्वागत है मेरे नए स्टोर में। तो आप क्या लेना चाहते हैं, आप पास्ता लेना चाहते हैं, ठीक है पास्ता दे देता हूँ आपको, और आप कैश दे रहे हैं, ओ मेरे को कैश भी देना है इसको, तो $1 वापस कर देता हूँ, ये हो गया। तो अंकल फिर से आना है, और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा ये।
वैसे मैं मेरा रिव्यू तो ये स्टोर का रिव्यू तुम लोग डाल सकते हो गूगल मैप में दिख जाएगा तुम लोग को ये स्टोर कहाँ पे, मैं बताता हूँ ना, ये है छत्तीसगढ़ में है एक स्टोर भिलाई 3 में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ, अब भिलाई 3 वाले जितने भी हो गए भाई रिव्यू डाल देना है तुम लोग गूगल में okay. और यहाँ पे परचेस मतलब की आ सकते हो तुम लोग, मैं नया स्टोर खोला हूँ तो यहाँ पे मेरे को 4.60 ये हो गया। अंकल थैंक यू अंकल वापस आना, और ये इसका भी क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, इसको भी डालते हैं $4 का थैंक यू अंकल फिर से आना। और वो आंटी को बुलाया, वो आंटी आई नहीं, आती ये कौन आंटी आ गई, क्या बोल क्या रही है, कुछ तो बोली है, कुछ चीज मिसिंग लग रहा है, ठीक है। परफॉर्म चेक आउट, मेरे को 25 चेकआउट परफॉर्म करना है, तो अभी अपने पास 3 चेकआउट मतलब चेकआउट ये है। अच्छा इसको मैं क्लोज कर दिया, सॉरी क्लोज नहीं करना था, ई से क्लोज हो जाता है, ई दबाऊंगा तो क्लोज हो जाता है, तो क्लोज अभी जरूरत नहीं है क्लोज करने का। इसको मैं डाल देता हूँ $9 का, धीरे 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 प्रॉफिट हो रहा है, अपने पास $23 हो चुका है और ज्यादा सामान बिका भी नहीं है अभी, देखो $23 डायरेक्ट हो चुका है। जो वैसे अपन ना $48 का पूरा स्पेंड कर दिए थे ये प्रोडक्ट को मंगाने के लिए, बट प्रॉफिट भी हो जाता है जल्दी जल्दी। तो मैं क्या कर रहा था, क्रेडिट कार्ड दिया मेरे को ये 4.20। वैसे देखो कोई कस्टमर अभी तक ना एक्सपेंसिव है नहीं बोला है और कोई प्रॉब्लम नहीं आया, वैसे शुरू है तो शायद प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं डाल देता 4.20 ये हो गया। थैंक यू आंटी फिर से आना, और अंकल आ गया, और ये बॉडी बिल्डर लग रहा है, थोड़ा सा बॉडी बिल्डर है, इसको ना बाद में ना प्रोटीन पाउडर बेचूंगा, ये कुछ बोल रहा है। एक्सपेंसिव भाई पास्ता एक्सपेंसिव कहाँ लग रहा है तेरे को यार, इतना सस्ते में तो दिया मेरे को, इसको मेरे को डालना है 0, ठीक है अंकल। अरे यार अंकल सरसों से तेल मत लिया करो, मैं बोला ना आपको इतना अच्छा बॉडी बना के आप सरसों तेल पी रहे हो, यहाँ पे $15 देना मेरे को 10-15 हो गया। थैंक यू अंकल फिर से आना, और मैं ना यहाँ से मार्केट से और भी प्रोडक्ट मंगा देता हूँ, जैसे कि सीरियल मंगा देता हूँ और शुगर पाउडर, ये भी शायद काम का होगा। 49 नहीं यार, मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कस्टमर ये एक ठुका है, इसको मैं बेचूंगा तो शायद मेरे पास पैसा हो जाएगा इतना कि मैं और प्रोडक्ट मंगा लूँ, ठीक है। ये क्या ले लिया, हाँ ये हो जाएगा मेरे पास इतना पैसा, तो ये कैश दे दिया मेरे को, और इसको मेरे को 0.40 25 10 5 हो गया, ठीक है। थैंक यू आंटी फिर से आना, और ये अंकल आया है, अंकल थोड़ा सा पैसे वाला लग रहा है, शायद कुछ ज्यादा सामान उठा, अरे यार अंकल ऐसे मत किया करो, फ्लावर बस उठा के लेके जा रहे हो, मेरे को लगा था तुम अच्छा पैसा लेके आए हो, तुम आया 20 ये हो गया 5, थैंक यू अंकल। और ये हो गया, ये इसको भी दे लेता हूँ, पास्ता और सिरल नहीं यार, वो फ्लावर था, फ्लावर मतलब कि शायद मैदा होता है, मैदा ज्यादा नहीं खाना चाहिए अंकल, मैं बता रहा हूँ पेट खराब हो जाता है मैदा खाने से, तो इसको मैं मंगा देता हूँ। अपने पास पैसा आ चुका है $64 हो चुका है, देखो आज प्रॉफिट तो हुआ है यार, प्रॉफिट तो हुआ है, और शायद लास्ट में ये अपन को बताएगा कितना प्रॉफिट किए हैं हम। और यहाँ पे मेरा बॉक्स आ चुका है, बॉक्स आ गया है, तो मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे। ये सुसु भी बेचेंगे हम लोग, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, ये देखो आते ही ये सुसु भी क्या, अबे रुक रुक, अरे यार ये तो गलत हो गया भाई, इसमें मैं वो प्राइस टैग ही नहीं लगाया, और ये फटाफट उठा लिया उसको, 500 उठा लिया डायरेक्ट उसको, भाई फेंक जल्दी और प्राइस टैग लगा दे, प्राइस टैग 5.20 रख देता हूँ इसको, नहीं इसको करूँगा 5, ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है बोल देंगे नहीं तो ये लोग, ये होशियार है ये लोग बहुत बड़े, जैसे कि यहाँ पे लगा नहीं रहता ना प्राइस टैग तो फट से उठा लेते हैं लोग, और ऐसे में ये लोग महंगा है बोलते हैं, चूतिया बनाते हैं ये लोग मेरे को, ठीक है ये हो गया। और ये देखो ये फ्री का सुसु उठा के लेके जा रहा है, ये हो गया 2 टुक सुसु उठा लिया ये, और इसको मैं दे देता हूँ 2.30 का हुआ इसका, और ये आंटी भी 2 टुक सुसु उठा लिया देख लो। अरे आंटी यार क्या इतना गरीबी वाला करते हो तुम, प्राइस टैग तो लगाने देते कम से कम, देखो ये चौकी क्यों उठा रहा है भाई, तू बच्चा है क्या, अच्छा अपने बच्चे के लिए आ रहा है, सॉरी अंकल सॉरी, 6.20 डाल देते हैं इस पे, ये हो गया। तो और अंकल तुम भी आ गए हो, तो ये लो सरसों तेल आपका हो गया, और ये हो गया कितना $16 का हुआ है, तो $16.20 दे दो मेरे को, वैसे मैं ले लूंगा आपके क्रेडिट कार्ड से जितना भी मैं अमाउंट डालूंगा तुम तो पे कर ही दोगे यार, तो वैसे शायद ही होगा इस पे मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट डालना पड़ता होगा तभी इसमें ना क्या होता होगा कि ये मतलब कि एक्सेप्ट करता होगा एग्जैक्ट अमाउंट डालने पे ही, तो एक ही सरसों तेल ले रहे अंकल क्या करोगे, ये तो 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा लिया करो, ठीक है थैंक यू अंकल फिर से आना। और ये अंकल अभी तो आया था यार चौक पिक लेने, फिर से आ गया तुम सुसु लेने के, ये यार चीनी भी मत खाया करो ज्यादा, बोला ना तुमको, ये हो गया थैंक यू अंकल। और ये रात होते जा रहा है क्या, हाँ शाम हो गया, देखो यहाँ पे उजाला आ रहा है ना, तो ये जो थोड़ा गोल्डन हार है ना मतलब कि शाम को ही आता है, ये देखो यहाँ पे भी आ रहा है, तो हम लोग को स्टोर को भी एक्सपेंड करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे चेक आउट कर लेते हैं कि इस पे क्या क्या है,
देखो प्रोडक्ट में ये है, फर्नीचर्स में ये है, सेल्फ ठीक है, सेल्फ मंगाने के लिए क्या है, $200 का सेल्फ है, $115 का भी है, बट ये सिंगल है एकदम भाई, वो सिंगल हड्डी वाला है, और यहाँ पे बहुत सारा है सेल्फ, स्कॉट सेल्फ, ये चार तरफ वाला सेल्फ, ये नहीं ये दो तरफ वाला है, तो ये भी 210 का है ना, तो मैं इसको मंगाऊंगा यार अगले बार ना, तो आई थिंक सो ये थोड़ा सा नहीं ये ना, ये इसको नहीं मंगाऊंगा, ये कॉर्नर वाला मंगाऊंगा, तो ये शायद सही रहेगा। फ्रिज है सिंगल डोर का, $200 का ये भी है, ठीक है, पेंट कर सकता हूँ, फ्लावर भी है, फ्लोर भी है, और मैनेजमेंट में देखते हैं, लाइसेंस है, अपन को लाइसेंस भी खरीदना होगा कि क्योंकि और भी बहुत सारा प्रोडक्ट इसमें रहता है, तो इसको भी बेचने के लिए हम लोग को लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, तो हम लोग को ग्रोथ मतलब सेक्शन 2 सेक्शन 5 यहाँ पे कितना बड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग, सेक्शन 23 मतलब कि तुम लोग समझ लो पूरा अपन मॉल खड़ा कर सकते हैं इसमें, तो मजा आ जाएगा भाई इसमें, तो पूरा मॉल खड़ा हो जाएगा, देख लो इसको हटा दे तो। अरे ये क्या है भाई, इतना देर हो गया मेरे को कंप्यूटर में बैठे, पूरा रात हो गया, ओ लैग कर रहा है गेम, रात को थोड़ा सा ग्लिच है, इसको सही करना चाहिए ये लोग गेम वाले लोग को, ठीक है। यहाँ से आंटी मेरे को क्रेडिट कार्ड दे रही है, तो 4.60 डाल देता हूँ इसको, ये होगा, थैंक यू आंटी फिर से आना, और ये लोग लाइन लगा के रखे यार, एकदम समझदार है ये लोग, ऐसे ना भगदड़ गाड़ी मचाते हैं, मस्त लाइन पे है ये लोग, 60 कर देता हूँ इसको, अरे पॉइंट नहीं डाला भाई, पॉइंट नहीं डाला, अभी से मैं 1,660 रुपए ले लिया होता, देखो भाई ये मैं गलत डाला ना, तो ये पहले ही बता दिया कि ये गलत डाला हुआ है, तो इसमें मैं ज्यादा चार्ज भी नहीं कर सकता, ये लोग मतलब ठगना होगा ना मेरे को, तो नहीं ठग सकता, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20, ये हो गया, ठीक है, थैंक यू अंकल फिर से आना, और ये पास्ता लेके जा रहे हैं अंकल, पास्ता मत खाया करो, ये पास्ता खाया करो, पास्ता ठीक है, ज्यादा नुकसान नहीं करता है। हेलो आंटी कैसे हो तुम, नेबरहुड में पहली बार देख रहा हूँ आपको, क्या क्रेडिट कार्ड दिया ना, सॉरी मैं भूल जाता हूँ आपको देख के यार, इसको कर देता हूँ 120, और ये होगा ये नहीं है, ये ब्रेड लेके गए, ये ब्रेड तो ठीक था यार, तो 600 तेल लेके क्यों गए थे मेरे को बता, अच्छा घर सा घर का खाना बनाने के लिए, ठीक है कोई बात नहीं, इसको मैं डाल देता हूँ 25, 5, 10, ठीक है थैंक यू, और ये है ये फिर सरसों तेल मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा बिक रहा है, तो मेरे को ना फिर से सरसों तेल मंगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं 90 देना है मेरे को, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है थैंक यू आंटी फिर से आना, तो मैं चलता हूँ, शायद आज का दिन पूरा हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे एंटर करके फिनिश डे करने के लिए बता रहे, तो यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ, और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ मेरे को मंगाना चाहिए, मार्केट में जाते हैं, और यहाँ से मैं ऑयल मंगा लेता हूँ, $18 का ऑयल, नहीं ऑयल मैं थोड़ा ज्यादा मंगा लूँ, ठीक है, ये पास्ता भी मंगा देते, पास्ता सस्ते का ही है तो पास्ता मंगा देते हैं, और फ्लावर भी मंगा देते हैं, तो इसको हम लोग मंगा देंगे, नहीं वैसे ना बहुत सारा चीज़ मैं मंगा ही देता हूँ यार, अपने पास पैसा तो अपने पास बहुत सारा है, तो ब्रेड भी मंगा देते हैं और फ्लावर भी मंगा देते हैं, ठीक है $112 और $129 मेरे पास अभी है, तो ठीक है इसको मैं ऑर्डर कर देता हूँ, क्लोज्ड आफ्टर 9 PM, अच्छा वो भी तो दुकानदार है, तो ये 9 बजे के बाद वो भी बंद कर देता होगा, तो मैं क्या करता हूँ इसे एंटर करता हूँ, और आज का डे कम्प्लीट करते हैं, देखो सेटिस्फाइड कस्टमर है 23 और प्रोडक्ट्स नॉट फाउंड ऐसा कोई नहीं बोला है, और प्रोडक्ट फाउंड एक्सपेंसिव ये बोला है एक ही जन ने बस, उस टाइम मैं देखा था ना, तो वो बोला था मेरे को ये प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, पास्ता को बोला था, तो मैं फिर उसका शायद पैसा कम किया मैं, तो स्टोर पॉइंट है +32, 132 इनकम है, 178 आज इनकम कमाया हम लोग, और टोटल अपन 79 का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि अपन 99 रुपीज़ का अपन जो ग्रोसरी भी मंगा दिए हैं, तो मेरे पास 79 का आज प्रॉफिट हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डे, और ये नेक्स्ट डे हो चुका है, तो परफॉर्म करना है हम लोग को 25 चेकआउट, और एक चेकआउट बस बचा है फिर 25 चेकआउट हो जाएगा। हेलो हेलो, आपको मैं पहली बार देख रहा हूँ, यहाँ अच्छे लग रहे हो, इतना काजल मत लगाया करो, हाँ इतना काजल मत लगाया करो, डायन लग रही हो एकदम बदसूरत लग रही हो, चलो मैं अपना ओपन कर देता हूँ ये इसको, और मैं चेकआउट में कुछ छोड़ के गया था, इसको मैं मंगा देता हूँ, परचेस कर लेते हैं, ठीक है $9 बस बचा मेरे पास, तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, ओ अबे यार ये ऐसा फेंक के क्यों जाता है भाई, कहाँ है तो तू बता दो, ऐसा फेंक के चले जाता है पूरा ये, तो ये है चौकी पीक मैं यहाँ पे रख देता हूँ, अबे कहाँ रखा गया ये, तो गलत जगह पे रखा गया, इसको उठा भाई थोड़ा सा, इसको यहाँ पे रख, ठीक है चौकी पीक बाकी को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, अरे नीचे क्यों नहीं जा रहा है भाई, हाँ अब गया, ठीक है इसको मैं वापस रख देता हूँ, इसको उठाता हूँ, और मेरा चेकआउट क्लोज है तब तक कि मैं ये सबको रख देता हूँ, क्योंकि ये लोग ना फटाफट आते हैं और एकदम लेना चालू कर देते हैं, और मेरा तब तक के प्राइस भी नहीं लिखा होता, इसको मैं अभी यहाँ पे रख देता हूँ ऐसे साइड पे, इसको मैं यहाँ पे रख छोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है रखने के लिए, और तो इसको मैं उठाता हूँ, और ये है पास्ता, तो पास्ता मेरे पास खत्म हो गया है, एकदम लास्ट बचा है थोड़ा सा, तो ये भी एक छुट बच गया, तो इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये हो गया,
और ये कुछ बोल रहे हैं अंकल, क्या बोला यार तू, चेकआउट और फूड? ठीक है मैं चेकआउट को खोल रहा हूँ, रुक जा थोड़ा सा, बस ये हो गया और बाकी को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है ये हो गया, मैं डाल देता हूँ वापस। और यहाँ पे एक और फ्लावर है तो इसको भी मैं डाल देता हूँ फटाफट से, हो गया। अब पूरा फ्लावर ही फ्लावर रख देते हैं ना, ठीक है बहुत सारा फ्लावर रख देंगे हम लोग। और ये क्या है, सुसु है, सुसु मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और ऊपर में भी डाल देता हूँ। ठीक है ये हो गया अपना सुसु, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है इसको भी मैं रख देता हूँ वापस। और मेरे को कुछ कुछ का शायद सबका मेरे को देखना पड़ेगा पहले कि वो डला है कि नहीं, प्राइस डला है कि नहीं। यहाँ पे मैं ब्रेड रख देता हूँ, ये हो गया पूरा ब्रेड रखा गया। और ये लास्ट हुआ, बस ये लास्ट मेरे को ब्रेड और डाल देना है, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं ब्रेड के, हो गया। और ब्रेड मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है ये देखो हम लोग का पूरा ना ये जो सेल्फ है वो पूरा ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे प्राइस टैग पहले चेक कर लेता हूँ, 4.20 है। और ब्रेड का भी डाला, अरे साइड हटो ना यार थोड़ा सा, 4.40 और 4.54 और 5 है। चौकी पिक का डाला है कि नहीं, चौकी पिक, अरे यार थोड़ा सा साइड हटो ना, दिख नहीं रहा मेरे को। हाँ थैंक यू, हाँ डाला है। ठीक है अब मैं चेकआउट जो है इसको मैं ओपन कर देता हूँ। अब देखो फटाफट कस्टमर आएगा एकदम, देखो इसको मैं डाल देता हूँ इसको। ये मेरे को आंटी दे ली है, मेरे को करना है 9.20 या 5 और एवरीथिंग 4 और ये हो गया 20, ये हो गया। थैंक यू आंटी फिर से आना। अंकल कैसे हो आप, अच्छे लग रहे हो आज, वैसे थोड़ा सा बाल बाल कलर करवा लो, आप बुढ़े हो गए धीरे धीरे। तो यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, ये हो गया 39 करना है ना मेरे को, 5 एवरीथिंग 4 और ये हो गया 20। ठीक है थैंक यू अंकल फिर से आना। और ये हो गया, अच्छा आप कैश दे रहे हो मेरे को तो 0 दे रहे हो। ठीक है अंकल पूरा पैसा लेके आता है यार अंकल, वो जब भी आता है ना पूरा पैसा लेके आता है, मेरे को कोई चिल्लर देना नहीं पड़ता उसको, ये सही करता है अंकल। 5, 6 और ये देखो ये चिल्लर लेके आइए मेरे को, $80 वापस देना, 50, 2, 3, 4 ये हो गया। ठीक है थैंक यू। अच्छा आंटी अब सुसु लेने आए हो, ऐसा इतना सुसु लाते कहाँ से यार, इतना सुसु लाते कहाँ से हो तुम, हमारे पास तो इतना नहीं है, और रखते कहाँ। एक ये थैंक यू आंटी फिर से आना, ठीक है फिर से आना मैं बता रहा हूँ। और ये अंकल यार इतना देखो मैं बोला था ना तुम ज्यादा ना वो मत पिया करो, सरसों तेल मत खाया करो, देखो पूरे काले हो गए ना, मैं बताया था। देखो आपका भाई भी वैसे काला दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 25, 10, 5। ठीक है थैंक यू उनका फिर से आना। और ये है चौकी पीक मैं यहाँ पे दे देता हूँ 12.40। ये अंकल पक्का खुद ही खाएगा या तो अपने बच्चे को देगा, ये भी ये चौकी पीक ये फिर लेना है। अच्छा आपके बच्चे के, सॉरी मैं फिर से नहीं बोलूंगा। 9.20 तो मेरे को 5 डालना है, 1, 2, 3, 4 और ये हो गया। ठीक है अंकल फिर से आना। और चौकी पीक और ये हो गया ये सरसों तेल। ठीक है मेरे को ना यार जल्दी से ना एम्प्लॉय एक बार मतलब हायर करना पड़ेगा, तब हम लोग का ना फटाफट प्रॉफिट होगा और मेरे को बार बार ये कैशियर वाला काम नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें $1 दे देता हूँ इसको मैं। आंटी फिर आ गए, अभी तो आए थे तुम यार, बार बार आ रहे तो एक बार मिल गया करो सब चीज। चुप रहना भाई। तो ये 40 है, 20 दे देता हूँ। ठीक है और ये है पास्ता इसका, और ये दे रही है क्रेडिट कार्ड में इसका $13 डाल देता हूँ, नहीं एक बार ना $14 डाल के देखता हूँ, $14 डाल देता हूँ। नहीं हो रहा है, देख रहा है इनकरेक्ट बता दे रहा है, मतलब कि एकदम पूरा सेटेड है, इसको मैं ठग ही नहीं सकता भाई, इसको एकदम ठग ही नहीं सकता मैं, कुछ कर ही नहीं सकता इसका। $0। ठीक है अंकल पूरा पैसा लेके आया यार एकदम पास्ता। और ये है 11.40। ठीक है इसको मैं 10 दे देता हूँ, 1 दे देता हूँ और ये हो गया 25, 10 के हो गया अंकल थैंक यू फिर से आना। और ये आंटी बस इसको दे देता हूँ। फिर ये क्या बोल रहे हैं, पास्ता इज टू एक्सपेंसिव, तेरी तो इधर आते तो इधर आते पास्ता, अरे वापस चले गए इधर, चुपचाप लेके जा मैं कम कर देना अभी पास्ता का प्राइस। पास्ता इतना सारा बिका है उसके बाद भी इधर को प्राइस बढ़ा हुआ लगता है, देखना इसको मैं कर देता हूँ 3.5 का। ठीक है $2.51 का बस प्रॉफिट कर रहा हूँ मैं, ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ से लाइट थोड़े बाद में जलाऊंगा, अभी तो हुआ नहीं है। तो इसको मैं दे देता हूँ फ्लावर, वैसे अभी ज्यादा बिक नहीं रहा। देखो जितना सारा मैं फ्लावर को इतना सारा लेके आया हूँ उसके बाद भी अब ये बिक नहीं रहा, क्या मतलब वो बता दो फिर लाने का। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ, मेरे को क्रेडिट कार्ड में डालना है ना, 4.20 इसको डाल दिया। ठीक है थैंक यू अंकल फिर से आना। और फ्लावर मैं फिर से दे देता हूँ और ये लास्ट डे रखेंगे, उसके बाद वीडियो को क्लोज करेंगे। ठीक है बाकी जो रहेगा ना, देखो अभी ना ऑब्जेक्टिव एक और आ रहा है, फिर प्रोडक्ट लाइसेंस अपन को परचेज करना है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में परचेज करेंगे। ठीक है या तो हम लोग प्रोडक्ट लाइसेंस को भी परचेज कर लेंगे,
फिर जो नेक्स्ट वीडियो में है ना उसका प्रोडक्ट को नेक्स्ट वीडियो में मंगाएंगे हम लोग, ठीक है वैसे करेंगे। तो अभी यहाँ पे 0.80 है ना, जिसको मैं 50-25 ये हो गया, ठीक है थैंक यू। ओ मैं 5 ज्यादा दे दिया, यू कैन टेक योर मनी बाय करेंट, मैं 5 ज्यादा दे दिया। अरे यार ये तो गलत कर दिया मैं अपना घाटा करा दे रहा हूँ। 19.20 हो गया, थैंक यू। फिर से आना, और ये बहुत सारा सुसु और ब्रेड लेके जा रहे हो, मतलब इतना क्या करोगे यार, इतना सुसु लाते कहाँ से तुम। और ये 30, 20, 10 ये 0.80 भी है, ठीक है यहाँ पे डाला मैं, और मेरे को 5 करना है, ठीक है थैंक यू। फिर से आना, और ये अंकल जल्दी आओ यार, जल्दी आओ, मेरे को ना क्लोज करना है दुकान को, बहुत देर हो गया मेरे को घर भी जाना है। और यहाँ पे 10 डाल देता हूँ, 5 डाल देता हूँ, ये हो गया, और 20, ठीक है थैंक यू यार। यार ये कस्टमर तो आते ही जा रहे हैं भाई, मेरे को क्लोज करना पड़ेगा ये, तो जल्दी से जल्दी क्लोज कर देता हूँ। और फिर $37 इसमें 10, ये हो गया, और 5 की तो चीज़ है 60, मेरे को डालना है 60, ठीक है थैंक यू। और ये इसको दे देता हूँ अंकल को, और कोई कस्टमर, अरे यार ये तो कस्टमर तो आते ही जा रहे हैं भाई, मेरे को ना लाइट ऑन कर देना चाहिए पहले, लाइट ऑन कर, और उसके बाद डे को भी हम लोग फटाफट कंप्लीट कर देंगे। क्या दिए थे अंकल, क्रेडिट कार्ड दिए थे क्या? अच्छा ये कैश दिया था, ठीक है अंकल थैंक यू। और ये है क्रेडिट कार्ड है, इसको मैं डाल देता हूँ 12.40 डाल दिया। हेलो आंटी, आप चौकी पिक बहुत खाते हुए, तभी तो एकदम चौकी पिक लग रहे हो एकदम। अबे साले, सॉरी सॉरी सॉरी। और यहाँ पे 2.60, 5 और ये 10, ठीक है थैंक यू। मैं इसको क्लोज कर दिया, चलो क्लोज रहने देते हैं यार, कल सुबह आके खोलेंगे। और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, ताकि किसी कस्टमर लोग को पता चल जाए कि ये क्लोज हो चुका है और अंदर ना घुसे जबरदस्ती, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको भी क्लोज करता हूँ, और अपने को प्रोडक्ट लाइसेंस परचेस करना है, तो मैनेजमेंट में जाना है, लाइसेंस में जाना है, फिर प्रोडक्ट लाइसेंस तो अपन परचेस कर लेते हैं। $200 का प्रोडक्ट लाइसेंस है, उसके बाद अलग से जो अपन प्रोडक्ट मंगाएंगे उसका भी पैसा देना है, तो पता नहीं कितना पैसा इसमें खर्चा करना पड़ जाएगा। वैसे प्रॉफिट तो हो जाता है अपना भाई, $267 को प्रॉफिट हो गया, और अपने पास जो प्रोडक्ट है ना अभी, वो भी बहुत सारा पूरा फुल पैक्ड है, अपना सेल्फ पूरा पैक्ड है, तो उसको अगर मैं पूरा बेच भी दूँ ना तो मेरे पास एटलीस्ट $400-$500 आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको परचेस कर लेता हूँ। देखो मैं परचेस कर लिया, तो अब जो इसका प्रोडक्ट मैं देख लेता हूँ, कौन सा प्रोडक्ट है मार्केट में जाते हैं। देखो बहुत सारा प्रोडक्ट आ चुका है, बॉटल ऑफ वाटर चीज़। ओ ये एक चीज़ देखो तुम लोग, कि ये जो बॉटल ऑफ वाटर है, चीज़ है, मिल्क है और एग है, ये सब ना सिर्फ फ्रिज में ही जाएगा, तो मेरे को फ्रिज भी खरीदना पड़ेगा भाई। अगले वीडियो में मेरे को फ्रिज भी खरीदना पड़ेगा, फ्रिज खरीदने के लिए मेरे को चाहिए होगा $200 चाहिए होगा मेरे को फ्रिज खरीदने के लिए, और मेरे पास $67 है, तो मेरे को और भी बहुत सारा जो बचा कुचा प्रोडक्ट है उसको बेचना पड़ेगा, उसके बाद मेरे पास $200 आएगा, फिर अपन फ्रिज खरीद के बाकी सब प्रोडक्ट को रखेंगे। तो चलो इस वीडियो को इतना रखेंगे, ये वीडियो कैसा लगा तुम लोगों को कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो पहली बार देख रहे हो मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो ये इस वीडियो को पहले कंप्लीट कर देता हूँ मैं। देखो 22 कस्टमर सेटिस्फाइड है, और एक्सपेंसिव बोले सिर्फ 2 लोग, ये ना भाई ये नल्ले, ये कुछ काम वाम नहीं रहता है, लोग बस एक्सपेंसिव बोलने का काम करते हैं ये लोग। तो देखो आज मेरा -61 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मैं अपग्रेड कर दिया ना भाई, यहाँ पे जो वो था ना क्या बोलते प्रोडक्ट लाइसेंस खरीद लिया, तो इसलिए मेरा माइनस में चल रहा है। वैसे 258 का आज प्रॉफिट हुआ था, कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं था, बट ठीक था यार। तो ठीक है, आपने पास $67 बचा हुआ है, तो चलो इस वीडियो को इतना ही रखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, तुम लोगों को बोल दिया हूं मैं। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।